रीवा, ये सब मैंने तेरे लिए बनवा कर रखे थे, देख तुझे पसंद है कि नहीं। रीवा, रीवा बाड़ा, कब से आवाज दे रही हूं तुझे? कौन से खालों में खोई थी? कुछ नहीं भूले ना। रीवा सवी और ईशान के बीच की परवाह को लेकर अच्छी तरह समझती है कि अब ईशान सवी को ही चाहने लगा है, पर सुरेखा को रीवा के अलावा भोसले घर की बहू सवी में कभी नजर ही नहीं आई। और एक बार फिर जेवर दिखाने के बहाने अब रीवा को भरोसा दिलाती है कि सिर्फ और सिर्फ वो ही ईशान की हम सफर बन सकती है, ना कि सभी। और सभी और ईशान के बीच उमड़ते रिश्ते को सुरेखा एक चैरिटी का रिलेशनशिप घोषित कर देती है, पर रीवा को भरोसा दिलाती है कि उसे अब ईशान पर हक जताना होगा, ना ही अच्छे बनकर सिर्फ सभी को उसके करीब आते देना। एंगेजमेंट होगी भैया ने। शुभ शुभ बोल, ऐसा क्यों बोल रही है तू? अक्का साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब भी ईशान और अपने रिश्ते के बारे में श्योर होने लगती हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरा भरोसा से डगमगाने लगता है, कुछ डर लगने लगता है। और बताती है कि घर सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि हक से ही बंधती है, जो रीवा का है, और सिर्फ उसे पूरा अधिकार है ईशान पर। और सुरेखा सभी और ईशान के रिश्ते को एक वर्क ऑफ चैरिटी बताती है, जो ईशान सिर्फ सभी के लिए कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि उस पर तरस खाता है। रीवा, इस बार तेरी शादी ईशान से होगी और जरूर होगी, ये सुरेखा भोसले का वादा है तुझसे। और अब रीवा को बताती है कि जब जब सभी ईशान के नजदीक आने की कोशिश करे, रीवा को अब ईशान पर पूरी तरह से हक जताकर उसे अपने ओर खींच कर रखना है। और मैंने तुझसे एक बात कही थी, तुझे याद है ना? अगर सभी कुछ ऐसा वैसा करेगी, और वो करेगी ही क्योंकि वो उसका स्वभाव है, ईशान को देखते ही उसके मन में अभी भी लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन तुझे क्या करना है वो तुझे मालूम है ना? और आगे ये भी बताती है रीवा को कि ईशान और रीवा की एंगेजमेंट की रस्में अब वो एक देवी के मंदिर में रख रही है, ताकि रीवा और ईशान की आने वाली जिंदगी में कोई तूफान नहीं आए और किसी की भी नजर ना लगे। आंसुओं के बीच और सुरेखा को देख खुश होती है, ये जानकर कि उसकी अहमियत उस घर में कितना है। पर क्या ईशान अब सभी को भुला पाएगा? और जिस देवी की मंदिर की बात हो रही है, उसी की सीढ़ियों चढ़कर एक दूसरे को एक बार फिर वचन तो नहीं दे देंगे जिम्मेदारी उठाने की और एक दूसरे की होने की? देखते रहिए रो में किसी के प्यार में की अपडेट यहीं पर। बस मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा हमेशा खुश रहो, और इसीलिए इस बार मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट देवी के मंदिर में रखवाई है, ताकि उनके आशीर्वाद से तुम दोनों का वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। चल अब हंसते, ये हुई ना बात।